subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। सेक्युलरिज्म बचपन से हम सुनते आए, शुरुआत से सुनते आए, भारत की नींव कहा जाता है सेक्युलरिज्म पे है, पर आजकल इसके डेफिनेशंस कुछ अलग हो गए हैं। सेक्युलरिज्म क्या है? जातिवाद बहुत बढ़कर आजकल बात चल रही है देश में, हर इशू को इन चीज़ों से ऐड किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। गवर्नर साहब और सीएम से कहते हैं कि क्या आप सेक्युलर हो गए, क्या मतलब है इसका? कोई एक ऐड आती है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई क्राइम होता है, रेप मर्डर की जैसी एलिगेशंस लगती हैं, उसमें जातिवाद आ जाती है, तो क्या मायने हैं इसके? और आजकल के जो नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इसको किस तरह से देख रहे हैं? नवी मुंबई के जो हमारे लीडर्स हैं वो इसको किस तरह से देख रहे हैं और नवी मुंबई में इसका क्या असर है, ये जानने के लिए, ये डिस्कस करने के लिए आज हमने ये चर्चा रखी है। मैं आपको हमारे स्टीम पैनल से पहले मिला दूं। मेरे साथ बैठे हुए हैं अनिल कौशिक साहब, जो फॉर्मर डिप्यूटी मेयर हैं और नवी मुंबई में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। कौशिक साहब, स्वागत है आपका आवाज़ पर चर्चा में। मेरे राइट में है रामचंद्र घरत साहब, जो बीजेपी के नवी मुंबई के अध्यक्ष हैं, बहुत ही पुराने बीजेपी से जुड़े हुए हैं, शुरुआत से ही कहना चाहिए कि ओरिजिनल लीडर बीजेपी के यहाँ के हैं और बहुत अच्छे से अपने पक्ष का ये साफ सामने रखते आए हैं, पक्ष पूरा पार्टी का। घरत साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौशिक साहब के साथ में जो बैठे हैं द्वारकानाथ भोईर साहब, जो कि शिवसेना लीडर है, अरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी के इनको लीडर बनाया गया है और शिवसेना के पुराने लॉयलिस्ट हैं। भोईर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अफसर इमाम साहब, जो कि राष्ट्रवादी जो नवी मुंबई में है उसके स्पोक्स पर्सन बन गए हैं और काफ़ी पुराने लीडर हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बहुत काम किया है और सोसाइटी में बहुत नाम है। अफसर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इसमें। शुरुआत करते हैं, घरत साहब आपसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो पैग हमारे को मिला है कि जो हाल ही में गवर्नर साहब ने उद्धव ठाकरे साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है कि क्या आप सेक्युलर हो गए, एक मंदिर के ओपनिंग को लेकर स्टेट में, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? सर, गवर्नर साहब ने बोला है ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र का हर नागरिक ये बोलना चाहता है कि आप सेक्युलर हो क्या। उसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा भी कि मार्च महीने में लॉकडाउन के टाइम पहली बार मुख्यमंत्री साहब फेसबुक लाइव पर आ गए। मेरे को टाइम मिला था, मैं अपना मेरे फैमिली के साथ बैठा था, मेरे को इंटरेस्ट था कि आज सीएम साहब क्या बोलने वाले हैं। उतने मैंने देखा कि सीएम साहब के राइट साइड में छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो था, मतलब स्टैचू था, तो मेरी तो छाती एकदम फूल गई कि मेरा मुख्यमंत्री उसके राइट में छत्रपति शिवाजी महाराज है। उसके अगले महीने वापस एक बार वो आए दूसरी बार फेसबुक लाइव बोलने के लिए, तो वहाँ से देखा तो मैंने शिवाजी महाराज को हटा दिया। तो वहाँ पे उन्होंने हमारे हिंदू रंज सरदार, जो पूरे इंडिया में जिसको बोलते हैं, और बाला साहेब ठाकरे और उनकी मातोश्री का फोटो लगाया। फिर भी अच्छा लगा कि हिंदू हृदय सम्राट और उनका फोटो लगा है राइट साइड में और बात करते हैं। लेकिन दुर्दैव इस बात का है, शर्म इस बात की हमको आती है कि हमारे मुख्यमंत्री ये दोनों हिंदू हृदय सम्राट होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है राजा बोलते हैं, उनको दोनों के हटा के अकेला बैठे सिंबल लेके मार्च शासन का, तब जाके ये नागरिक शिवसैनिक, जो शिवसैनिक जो ग्राउंड का है वो कभी माफ नहीं करेगा उद्धव जी को कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को भी हटाते हो, आप हिंदू सम्राट को भी हटाते हो, किसका सुनते हो, कौन आपको बोलता है हटाने के लिए? ये चीज के ऊपर पूरे महाराष्ट्र का आज गुस्सा है और ये आने वाले टाइम में दिखेगा। कौशिक साहब, सेक्युलरिज्म गलत साहब के हिसाब से ये है कि सीएम साहब जो सिंबल्स हैं उनको हटा के किसी पक्ष को, किसी को खुश करना चाह रहे हैं, ये सेक्युलरिज्म? एक तो गलत साहब की बात से मैं असहमत हूँ, क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब संस्कारी आदमी है, शिवाजी महाराज को मानने वाले आदमी है और अपना महाराष्ट्र के अंदर जो मराठी अस्मिता जिन्होंने आगे ली, आगे बढ़ाई, आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे को मानने वाले हैं।
अभी कौन सा फोटो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये मुझे तो इसमें कुछ विश्वास नहीं हो रहा। या तो कहीं अलग जगह बैठे होंगे, मीडिया अलग क्या होगा, फोटो कभी नहीं हटाएंगे, इससे सहमति नहीं है। वही सर, क्या उद्धव साहब ये सब चीज़ों से दूर हो रहे हैं जिस पर शिवसेना हमेशा लड़ती आई है? जेड साहब, पहले तो ये बात है, गलत साहब ने जो बात की उसके बारे में उनका बहुत आज्ञान है, ये तो पहली बात। उद्धव साहब कहाँ बैठते हैं, कहाँ लोगों के सामने आते हैं, ये सब उन्होंने देखना मिलता था। पहले मंत्रालय में कहा, जब भी वीसी होता है महापौर बंगले में, जब भी वीसी होता है वो क्या फ़ोटो उठा के वहाँ रखते नहीं वहाँ, या मातोश्री में जो दो रूम है उन्होंने देखा है, कभी गए है पता नहीं मुझे, तो वहाँ का क्या सिचुएशन है वो उन्होंने देखना मिलता है, और फिर वो उस तरह का जो भी संभाषण है वो उस हिसाब से करना मिलता है। रही बात सेकुलरिज्म की, पहले तो एक है कि आपने बोला कि गवर्नर साहब ने, आप सेकुलर है क्या? मैं पहले ये बात कहता हूँ कि अपना संविधान क्या है, अपना संविधान है सार्वभौम सर्वधर्म वही बोलता हूँ, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणतंत्र, ये अपना संविधान का उद्दिष्ट है, प्रेमल है ये संविधान का। उस हिसाब से जब ये आर्टिकल 15 अपने को आते हैं कि वो धर्म वंश जात लिंग भेद सब करना या उसके बारे में सोचना राजनीति पे बैठ के, वो गलत है। अभी जब ये जब भी बात आता है, आप राज्यपाल महोदय का आप देखेंगे, वो जब शपथ लेते हैं 159 से, आर्टिकल 159 से वो जब शपथ लेते हैं, तो शपथ लेते समय ईश्वर साक्षी और गांधीर्यपूर्वक हम शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं? कि मैं मेरे संविधान का, संविधान से जो कायदा हुआ है, उनसे मैं उनका रक्षण करूंगा, मैं उनकी प्रतिष्ठा रखूंगा, मैं उनकी जपनों बोलेगा तो उनका जतन करूंगा। ये सब जब ही देखो, हर एक आदमी को, हर एक को अपना अपना धर्म अपने अपना घर में करना, किसी का हक संविधान ने डाला लिया नहीं है, वो हर एक को दिया है संविधान ने। मगर जब आप राजनीतिक संसदीय पॉलिटिक्स में आप जब भी बैठते हैं तो आपको संविधान देखना मांगता है, क्योंकि संविधान से आप वो कुर्सी का राज चलाना, संविधान की तरफ से आप कारोबार चलाना मांगते हैं। कभी आपको ना धर्म, ना आपको जात, ना वंश, ना कोई कोई कुछ नहीं आता उसमें। उसमें कायदा क्या है, कानून क्या है, कानून की सबसे किस रूल में वो बिठाना मांगता है, किस रूल से चलाना मांगता है, वो आप देखना मांगता है। वहाँ धर्म और धर्म निरपेक्षता वो सब बाजू में आता है, उसमें धर्म का कोई लेन देन नहीं। और राज्यपाल साहब की एक पद की गरिमा होती है, वो गरिमा से उन्होंने अभी किसी को आप धर्म निरपेक्ष है क्या वो बोलना, ये सरासर गलत है। उनके हिसाब से जैसे राष्ट्रपति, पंत प्रधान, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, ये सब पद की प्रतिष्ठा होती है, और उनकी तरफ से जब वो उस पद के ऊपर रहते हैं तभी वो कोई देश का, राज्य का, गांव का, स्टेट का, जिला डिस्ट्रिक्ट का, कोई भी आदमी किस धर्म का है, किस जात का, उन्हें उनसे कुछ मतलब नहीं रहता। उन्हें ये मतलब रहता है कि उनका काम करना है, उनका राज्य चलाना है। अगर उनका खुद का कानून खुद को बोलना है तो वो पॉलिटिकल लीडर है, एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज अ नागरिक करके कोई वो उनका बात व्यक्तिगत बात स्वरूप कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें वो ये बोलना गलत है। अफसर भाई, आपके लीडर शरद पवार साहब का भी स्टेटमेंट आया है कि अगर आत्मसम्मान है किसी में इस तरह के तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बीजेपी के किसी भी लीडर से सेकुलरिज्म के बारे में बोलना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। बीजेपी इसी बुनियाद पर बनी है कि किस तरह से अपने देश में डिवाइडेशन किया जाए और रूल किया जाए। जो आज से पहले जो अंग्रेज़े का अंग्रेज लोग जो एक छोड़ के गए थे, वोट डालो और राज करो, उसका पूरा का पूरा जो इस्तेमाल आज बीजेपी पार्टी अपने देश में कर रही है। तो भी शरद पवार साहब जैसे आदमी, आपको मालूम है कि उनके अंदर में क्षमता क्या है, उनके अंदर में रियल सेकुलरिज्म आपके सामने झलक के आया कि वो सारे लोगों को एक मंच पे ला करके काम करने की इच्छा वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज
अपने फायदे के लिए, आप देखेंगे अपने फायदे के लिए जो मन में आ रहा है इस तरह का काम हो रहा है, इससे पब्लिक को बेनिफिट हो मत हो। आज के दिन में लीडर मुझे दिख ही नहीं रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मैं बता रहा हूँ, जो गोर गरीबों के लिए सोच रहे हैं, जो लोग आपको अपने देश के लिए सोच रहे हैं, संविधान के लिए सोच रहे हैं, तो इनके मुँह से ये कहीं से सूट नहीं करता। गर साहब, ये जो बात हो रही है, गवर्नर साहब ने भी जो लिखा था मंदिर के ओपनिंग के लिए, आप लोगों ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट किए हैं, नवी मुंबई में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए हैं कि भाई मंदिर ओपन किया जाए। उद्धव ठाकरे साहब का कहना है कि हम एकदम से नहीं खोल सकते हैं क्योंकि कोरोना कंट्रोल में आ रहा है और एकदम से फिर फैल जाएगा तो फिर लॉकडाउन करना सही नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वो बोल रहे हैं, पर आप उसको सेक्युलर और नॉन सेक्युलर बात लेके ले रहे हैं। नहीं, बात ऐसी है कि पहले तो इनके एक सवाल का मैं जवाब दूँ कि मुख्यमंत्री कौन से जगह पे बैठते हैं, क्या बैठते हैं, क्या बैठते हैं। इन्होंने ये तीनों फेसबुक की मुलाकात देखनी चाहिए, चेयर भी वही है, जगह भी वही है। एक बार नहीं सुनो, अगर उस पर चेयर अगर बदला होगा तीनों में, तो मैं न्यू बॉम्बे के इस प्रेसिडेंट का राजीनामा देने को तैयार हूँ, उन्होंने भी देने का। नहीं, गलत आप बता रहे, आपको एक तो ज्ञान नहीं है वो कि चेयर में बैठ के बोले इसका मतलब आदमी का सेक्युलर होता है और नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। और आपके आपसे ज्यादा मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आप जब आपका नंबर आएगा आप बोलो। घर साहब, बात ये है कि क्या बाजू में मूर्ति है या नहीं है, उस पर सेक्युलरिज्म डिसाइड होगा। क्या होता है कि आज बचपन से ये लोग, आप 50 साल होने को आया शिवसेना को, उस टाइम से कौन से हिसाब से चल रही है, वही हिसाब से चल रही है, हिंदुत्व का हिसाब से चल रहे हैं ना, उसके लिए हमको तकलीफ हो रहा है। पब्लिक को शिवसेना के कार्यकर्ता को तकलीफ इसके लिए हो रहा है, शिवसेना का कार्यकर्ता आज उद्धव ठाकरे का नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्यकर्ता है, बाला साहेब ठाकरे का कार्यकर्ता है, इनका कार्यकर्ता नहीं, उसको बहुत दुख होता है, इसके लिए मैंने बोला ठीक है। वो शिवसेना वालों की बात है, आपको नहीं नहीं, अभी उन्होंने बोला करके बोल रहा हूँ, उन्होंने जो बोला ना करके बोला उसका जवाब दिया मैंने। दूसरी बात, मंदिरों चालू करने की जो बात हुई, हमने हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने हमारे चंद्रकांत दादाजी ने, बहुत सारे लोगों ने उनको लेटर दिए, ऐसे ऐसे अपने बार चालू किए, अपने होटल चालू किए, अपने क्या क्या चीज़ चालू किया, मंदिर क्यों नहीं चालू हो रहा है, उसके लेटर का जवाब भी आज तक नहीं मिला। हमारे बहुत सारे लेटर है, 200 के ऊपर लेटर है, मेरे उस दिन हमारे हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात होती रहती है, 200 के ऊपर लेटर है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ये कब होएगा, ये कैसा होएगा, उसके लिए हमने लेटर भेजे, उसका एक भी जवाब नहीं आया। क्योंकि मंत्रालय में जब ये लेटर जाता है तो वहाँ पर कोई बैठेगा तो जवाब देगा ना, ये सारी चीज़ है। उसके लिए हमने क्या किया, तो पहला घंटानाद कर दिया मंदिर चालू होने के लिए, हमको लगा कि हमको उसको जगा दो, फिर भी नहीं किया। उसके बाद हमने एक ये आंदोलन किया कि हम मंदिर में जाके थोड़ा सा भजन करें, हमने कुछ भजन वगैरह किया, उसके बाद भी जब घंटानाद किया उसके बाद बार चालू हो गए, अरे घंटानाद मंदिर के लिए किया और बार चालू हो गए, तो फिर उसके बाद हमको वापस करना पड़ा आंदोलन कि बाबा भजन भजन करना पड़ा कि हम लोग को आस्था, हमारी आस्था है आपके हिसाब से क्या है, क्यों नहीं चालू कर रहे, एक और कि हमारी आस्था है वो छोड़िए, वहाँ पे मंदिर के आजू बाजू में छोटे छोटे दुकान वाले हैं, हार बेचते आए, कोई प्रसाद बेचता है, बेचारे उनकी क्या हालत है, ठीक है मत चालू करो लेकिन उनका व्यवस्था तो करो, कुछ दे तो सही, कुछ 5,000-10,000 उनके उदय निर्वाह के लिए कुछ दे तो, बेचारे भूखे मर रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं, उनका तो सोचो। तो आपका घर साहब कहना है कि क्योंकि उद्धव ठाकरे साहब आप सेक्युलर नहीं रहे और या सेक्युलर हो गए इसके लिए मंदिर नहीं खोल रहे। अभी मेरे ख्याल से उनके ऊपर प्रेशर है, वो ऐसे नहीं थे और ऐसे नहीं रहेंगे, क्या मालूम नहीं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर है। मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी देखा है, बहुत सारे पब्लिक में हम लोग रहते देखा है कि अभी उसको शिवसेना कोई बोलने को तैयार नहीं, उसको सोनिया सेना लोग बोल रहे हैं, तो लोग ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या। कौशिक साहब, क्या आप लोग के प्रेशर की वजह से उद्धव साहब को क्या होता है, साहब ऐसा है किसी आदमी को नॉलेज नहीं होना और बुद्धि नहीं हो उसको क्या उत्तर देंगे। पर अभी पहली बात तो क्या है, गलत साहब ने बोला है कि मंदिर नहीं खोल रहे हैं, बार खोल दिए हैं, होटल खोल दिए हैं, ये बोल बोल के देश की अर्थव्यवस्था भट्ठा बैठा दिया लोगों ने। बार क्यों खोली साहब, बार के अंदर म्यूनसिपल टैक्स लगता है, बार में स्टाफ काम करता है,
बाहर से रेवेन्यू जनरेट होता है। चाणक्य का वर्ड पढ़ना है, होटल से बाहर से रेस्टोरेंट से जो लोग प्रॉपर्टी बना के बैठे करोड़ों की, आज उनको म्यूनसिपलिटी से भरना पड़ेगा, कहाँ से भरे चालू नहीं करेंगे। दूसरी बात आपका जो हॉलीवुड तथ्य है ना, वो पहले किसी अच्छे अर्थशास्त्री से समझ के आओ, फिर डिबेट में बैठ पाओ। मेरे को समझना पड़ेगा, फूल बेचने वाले का आपको समझना पड़ेगा, फूल ना बोला है तो दे उनको कुछ, क्या मंदिर बंद है कोई फूल लेगा? मैं पूजा में फूल लेके आता हूँ, मंदिर के लिए, मैं मंदिर का बात कर रहा हूँ, मंदिर का बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ आज आज जाओ, मंदिर जरूरी नहीं है, सबसे पहले जरूरी है बाहर के देश, बाहर नहीं वाइन शॉप, देश के अंदर रोजगार रेवेन्यू जनरेट करके गरीब लोगों को कैसे खड़ा किया जाए। 7 महीने से बड़ी बड़ी बात करता है, आओ गुजरात के ऊपर जनरेट किया तो पब्लिक को क्या दिया? एक रुपया नहीं दिया, जनरेट किया आपने, इसको क्या दिया? सेंटर से एक रुपया नहीं आई, जबकि मुंबई इस देश को 40% देता खर्चा। बोलो सेंट्रल ने अभी 19,000 करोड़ स्टेट जीएसटी के दिए। सुनो मेरा पूरा बात, सेंट्रल बाकी है हमारे पैसे, वो सुनो मेरा बात, स्टेट जीएसटी वो तो दिए ना, क्यों दिए? मेहरबानी किया हमने तो, क्या चाहिए आपको? हम बोलते जो हम 40% इनकम टैक्स भरते थे उसके पैसे नहीं देते, इनकम टैक्स तो बंद है अभी। अब मेरे को चक्कर आ गई तो मेरे को पानी कौन पिलाएगा? जेडी साहब पिलाएंगे कि बोलेंगे जाओ घर साहब के घर से पानी लाओ? कोई बोलेगा कि सेंटर से पानी लाओ? पहला तो शासन ने कुछ देना चाहिए ना, पानी तो इन्होंने पिलाना चाहिए। शेतकरी मर रहे आज, पहले पानी पिला उनको, जिंदा रखो, पहले पंचनामा करो, पहले शेतकरी आप क्या करो, पहले शेतकरी गुजरात में जाके आओ तब आपको मालूम पड़ेगा। एक पॉइंट करते थे भाई साहब, गरज साहब बोल रहे हैं आप बार चालू कर रहे हैं, होटल चालू कर रहे हैं, कौशिक साहब का कहना है कि भाई रेवेन्यू आएगा, टैक्स आएगा, उद्धव ठाकरे साहब गए, आस्था से क्या प्रॉब्लम है? अभी तो ठीक है, आस्था से क्या प्रॉब्लम है आप लोग? पहले गरज साहब कह रहे हैं, पहले जो उन्होंने बात की उनका जवाब दे रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि शिवसेना के आदमी उद्धव साहब के नहीं रह गए। गरज साहब के ये सोच करने की जरूरत नहीं है, हमारे जैसे शिवसैनिक है इस महाराष्ट्र में लाखों शिवसैनिक है, उन्हें मालूम नहीं जो आज भी शिवसेना का झंडा महाराष्ट्र के ऊपर फैला रही है, और शिवसेना की हिंदुत्व की और शिवसेना की मराठी की वही जो सोच है वो अभी है, जो पहले थी वो अभी है। मगर एक बात है, मैं पहले भी वही किया, जब भी आप संसदीय पॉलिटिक्स करते हो तो उसमें आपके सामने कौन बैठा है ये नहीं देखना होता है। आप आपका धर्म आपका अपने घर में करो, पूजा एक नहीं 10 घंटा कीजिए, मेरे धर्म का मुझे गर्व है वो सब लोग कह सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं खाली मंदिर खुलेगा तो धर्म वो हिंदुत्व दे दे नहीं तो धर्म निरपेक्ष हुए क्या, ये नहीं होता है। मंदिर खोलने से आपत्ति क्या है आपको? नहीं नहीं देखिए जेडी साहब, मंदिर खोलने से आपत्ति का नहीं, आज आप महाराष्ट्र पूरे महाराष्ट्र की देखेंगे, आज ऑल ओवर इंडिया में आप देखिए कौन सा बड़े मंदिर खुला है, कौन सा स्टेट में खुले है? सब खुले स्टेट में। एक गलत, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, मैं आपके उत्तराखंड का राज्यपाल है, उत्तराखंड के वहां के वो चीफ मिनिस्टर थे सर, मेरा अभी सुनिए देवभूमि करके मान रहे हैं ना उत्तराखंड, एक भी मंदिर खुला नहीं है वहां, एक भी नहीं मंदिर खुला, क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं मंदिर के लिए झूठ बोल रहे हैं, और मंदिर का पूजा आप बोल रहे हैं, मंदिर का पूरा खर्चा मेरा, एक मिनट, नहीं क्या किया आपको, क्या मालूम भाई, मुझे मालूम है ना, एक मिनट। और दूसरी बात रही गई मंदिर खोलने की, यहाँ मंदिर खोलने के पहले जो आम आदमी रहते हैं उनके शरीर की जो उसको क्या तकलीफ है क्या नहीं है वो सब देखना होता है। अभी यहाँ महाराष्ट्र में कोरोना का जो माहौल है उस हिसाब से आम आदमी को पहले क्या मिलना बनता है, क्या मिलना बनता है, पहले खाना मिलना बनता है, क्या भगवान को हाथ जोड़े तो हो गया क्या? तो फूल बेचने वाले अभी सुनो ना, मेरी बात सुनो अभी, हाँ। और ये बोल रहे शेतकरी को वाह मिलता, खाना नहीं मिलता है, क्या किया था लास्ट
जो बाढ़ आई थी वो देवेंद्र फडणवीस साहब 11 दिन गए थे वहां, मैं खुद गया था वहां, 3 दिन था मैं वहां, सेल्फी निकाल रहे थे। फिर क्या कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं ऊपर, हम लोग ने वहां पहुंचाए था, मैं कुछ क्षेत्र मान ले गए थे। क्या बोल रहे हैं, अभी पहुंचा लो ना, अभी पहुंचाते हैं ना हम लोग, मरे नहीं बस, बोला ना ये जो बात चल रहा है इसका थोड़ा सा नहीं कर सकता, 1 मिनट, आज सब घर साहब पे आने वाले हैं, सुनो बोलिए साहब, ऐसा है बोलिए, मंदिर में जाने वाला स्वस्थ रहेगा तो मंदिर खुलेगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस हुए हैं, उसके दो कारण है। एक कारण ऐसा है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सच्चाई से सब केस का टेस्ट हुआ है, हमने दिखाया है, वो यूपी गुजरात मध्य प्रदेश ने नहीं किया, छुपा दिए, दिखाने का ही घर में दवाई ले लो, बताओ मत, हमने रियल केस दिखाए हैं। और उसकी बात, सबसे बड़ा कारण महाराष्ट्र के अंदर इस महामारी का है तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। क्यों बताता हूं, 23 लाख मजदूर 3 महीना यहाँ खड़े रहे, पैदल गए, 20 करोड़ का, अरे क्या 20 करोड़ का, अरे 1000 करोड़ तो दे दे, ये बस में जाएंगे बेचारे। दूसरी बात, 23 लाख आदमी, अगर कोई पढ़ा लिखा सीएम पीएम होता तो एक काम करता था, 15 दिन का लॉकडाउन है, हर सीएम से बात करता था, चीफ सेक्रेटरी से बात करता था, एक्सपर्टों से बात करता था कि भाई 15 दिन का मैं लॉकडाउन किया है, अपने अपने राज्य में किस किस स्टेट कितने आदमी क्या तकलीफ मेरे से डिस्कस करो, और मैं एक बार ट्रेन चालू कर रहा हूँ जिसको जहाँ जाना जा सकता है, उस टाइम 1300 आदमी इन्फेक्टेड थे, 1300 वो 3 महीने आ रहे इन्फेक्टेड हो गए और बेचारे पैदल गए, शरण नहीं आई पीएम को, साइकिल पे अपने बाप को लड़के लेके जा रही है, और उन लोगों की वजह से गांव इन्फेक्ट हो गए। सबसे फेल पीएम इस भारत में अजीत बात एक ही है, नरेंद्र मोदी। ठीक है बताना चाह रहे हैं कि मंदिर खोलने से मस्जिद खोलने से सेकुलरिज्म का कुछ मतलब नहीं है, आदमी धर्म का काम अपने घर में बैठ के कर रहा है, करने वाले लोग कर रहे हैं, मस्जिद बंद है, आज के सबसे ज्यादा धार्मिक देखा जाए तो लोग बोलते हैं मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत बड़ा धार्मिक लोग बोलते हैं, मतलब कट्टर, तो आज के दिन वो भी घर पर नमाज पढ़ रहे हैं ना कि नहीं पढ़ रहे। हम ये पूछना चाहते हैं कि देश का, अब ये अपने राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव जी ठाकरे, आज उनको डिसीजन लेना है कि हमारे राज्य की जनता को कैसे रखना है, हमारे राज्य की जनता को सुरक्षित कैसे रखना है, उनको रोजगार कैसे देना है, उसके बारे में सोचना किसका काम है, सरकार का काम है, सरकार के मुखिया हमारे उद्धव जी ठाकरे हैं, वो काम कर रहे हैं, उससे आपको सेकुलरिज्म से कुछ मतलब नहीं होता है। देखिए आपको बता रहा हूँ कि आपको याद होगा कि जब बहुत ही कम आपको जब कोरोना पेशेंट के जो इसके पॉजिटिव लोग थे उस टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन चालू करा दिया, उनकी सोच देखिए, एक बचकाना सोच बोल सकते हैं कि जब कोरोना का नाम निशान नहीं था तो उन्होंने लॉकडाउन चालू कराया, उस क्या रिजल्ट हुआ, इतना दिन कंटिन्यू 60-70 दिन लॉकडाउन होने के बाद भी कोरोना का पेशेंट बढ़ते ही गया, नहीं कंटिन्यू बढ़ते गया लाखों में पहुंच गया, कुछ इफेक्ट हुआ क्या, उन्होंने ताली बजवाया थाली बजवाया, क्या इफेक्ट हुआ उसका, कुछ इफेक्ट हुआ क्या। आज भी देखिए हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब, उन्होंने घर से अपने परिवार के साथ ताली बजाया, सुनिए ताली बजवाया उनके पास सुना कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन जो बोलते हैं हमको मतलब कि हमारा फर्ज बनता है उनका इज्जत करना, हमारा फर्ज हम लोग किया, लेकिन मुझे बताइए इतना, ये हम सब करने के बाद फ्री हैंड देने के बाद आपने क्या किया, आपने ऐसा सा मुद्दा अपने देश में लेके आ गए कि लोगों को भटका दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, कंपनियां बंद करा दी, आपने बड़ा बड़ा प्रलोभन देकर के सत्ता में आए थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हम, किधर रोजगार मिल रहा है, रोजगार तो मिल, सर एक मिनट मेरा कंप्यूटर दीजिए, एक मिनट, रोजगार तो मिल नहीं रहा उनको, उसके साथ साथ आपको कंपनियां बंद हो रही, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। लेकिन आपको बोलने का मतलब ये है कि आपने देश में काम किया ना, आपने, आपको किसी ने इंटरफेयर किया क्या,
आज आपको ये मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर अच्छा काम कर रही है, तो आपका नींद हराम हो गया है। आपका नींद हराम होने के कारण आप सेकुलरिज्म का मुद्दा लेके आ रहे हैं, कभी अलग अलग तरह का मुद्दा लेके आ रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। जो हमारा जो टॉपिक है सेकुलरिज्म के, फिर से उस पर आना चाहूंगा मैं कि परिभाषा क्या है, क्योंकि आज जो देखा जा रहा है एक एड आता है, एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसमें एक हिंदू मुस्लिम की शादी की बात होती है, उसको लेकर भी आपत्ति हो रही है आजकल, वो एड विड्रॉ करना पड़ता है। उसके पहले जवाब देता हूँ, इन्होंने भी कहा, आप ही को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि तीनों कहा ठीक है, हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं, घर में भी पूजा कर सकते हैं, बराबर है। लेकिन मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ, बहुत सारी हवा है यहाँ पे, मेरे को साइकिल में हवा भरने की है, काफी भरनी पड़ेगी, इधर तो हवा बहुत है, भर सकते हैं, विशिष्ट जगह पे जाना पड़ेगा, वैसा लॉकडाउन में 90 दिन लोग बैठ सकता है, लॉकडाउन में 90 दिन बैठ सकता है, कोई तकलीफ नहीं हुआ। मंदिर है, एक विशिष्ट जगह है, वहां पे हमको जाना ही पड़ेगा। सर, एक सवाल उठता है, जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं आप लोग, डिमांड कर रहे हैं कि भाई आस्था की बात है, बार खोल रहे हैं, होटल खोल रहे हैं, मंदिर क्यों नहीं खोल रहे, आप लोग ये क्यों नहीं बात करते कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप सभी खोलिए, तो सिर्फ मंदिर क्यों नाम दिया जाता है? नहीं नहीं, वो चर्च है, मस्जिद है, दरगाह है, सभी बंद है, सभी बोल रहे हैं। मेरे मेरे उस आंदोलन में हमारा मुस्लिम भाई था, उन्होंने बात कर दिया कि मंदिर का मतलब, देखो महाराष्ट्र में बहुत सारे ज्यादा मंदिर है, इसलिए मंदिर का पहला बात आता है, मैं मंदिर बोलूंगा, ये मस्जिद बोलेंगे, तो हमारे भी कार्यकर्ते बोल रहे हैं। सर, सेकुलर का मतलब क्या होता है, सब बोलिए ना, आप बोलिए मंदिर खोलिए, मस्जिद खोलिए, चर्च खोलिए, गुरुद्वारा खोलिए, सब खोलिए ना, धार्मिक स्थल बोलिए ना, सीधा सीधी उसके साथ साथ सभी आते हैं, सबके बारे में धार्मिक स्थल बोलिए, आप धार्मिक स्थल बोलिए, आप अभी राजनीति मत करो इसमें, मंदिर खोलने के बाद मस्जिद खोलेंगे, चर्च खोलेंगे, हम राजनीति में आ गए, तो आप खुल के क्यों नहीं बोलते फिर ये बात कि भाई धर्म स्थल भी खुल के बोलते हो, आपके सामने मंदिर भी खुलने चाहिए, मस्जिद भी खुलने चाहिए, चर्च भी खुलने चाहिए, ये तो खुलने चाहिए हर धर्म का। एक मिनट साहब, हमने तो बोला नहीं खुलना चाहिए, थोड़ा सा कोरोना महामारी में कंट्रोल आ जाए, खोल देंगे, बात साहब थोड़ा आगे और बढ़ाए कि जब ओवरऑल जो सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश का ये नींव रही है और बहुत स्ट्रेंथ रही है और सभी चाहते हैं कि भाई एक हो, आज हिंदू मुस्लिम शादियां भी जो है बहुत कॉमन हो गई हैं, लेकिन आज एक एड में अगर हम देखते हैं और बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि भाई अपना रहे एक दूसरे के रिचुअल्स, उसको लेकर भी आपत्ति हो रही है। सर, मैं आपको एक बात, मैं एक और उसमें ऐड भी कर दूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हाथरस का भी जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, वो बच्ची का रेप मर्डर वगैरह का जो भी है इन्वेस्टिगेशन, आज तो ये भी कहा जा रहा है बाद में किया, बट उसमें भी जातिवाद आ गई है, तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया कि हर चीज में एक ऐड आ रहा है तो हम उसमें सांप्रदायिकता लेकर आ रहे हैं, एक क्राइम हो रहा है तो हम उसमें जातिवाद को बना रहे हैं, तो क्या माफ कीजिएगा आप सब पॉलिटिशियंस हैं, क्या पॉलिटिशियंस आजकल इसके ऊपर ही अपने ये सेक रहे हैं? नहीं, पॉलिटिशियन में स्पेशली बता रहा हूँ आपको, देखिए बीजेपी का क्या खाना कपड़ा सब आपको यही है, जब तक ये फूट नहीं डालेंगे, झगड़ा फसाद नहीं होगा देश में, मतलब कि अदर एक्टिविटी नहीं होगा, बम ब्लास्ट नहीं होगा, इनका खाना पचेगा भी नहीं या इनको सत्ता मिलेगा भी नहीं। आप देखिए कहीं पर भी जब दो धर्म के लोग अच्छा काम करेंगे तो इनको आपत्ति हो जाती है, ये कभी नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर पूरे लोग साथ में मिलकर काम करें और देश का उन्नति करें, कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अगर चाहेंगे तो इनको सत्ता मिलेगा नहीं। सर, रिकॉर्ड निकाल के रखो ना, किसके सत्ते में कितने दंगे हुए, क्या क्या हुए, आप सत्ता में आए कभी, सत्ता में आए कभी, आप आग दिखला दिया, आते के साथ दिखलाया आपने, दंगे का एवरेज 6 साल में तो सबसे 12 साल उसने गुजरात में सत्ता ली की, गुजरात क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा कांड तो कर दिया आपने उत्तराखंड गुजरात में, हमने कर दिया, तो कौन किया, आपकी सत्ता थी सीएम, आपका सत्ता आपकी, जिंदा जलाते हो जो भी किसने जलाया, गलत किया है जिसने किया, गलत किया मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके सरकार में ज्यादा होता है सब बात, देखिए उन्होंने गुजरात का सब्जेक्ट निकाला, मैं गुजरात के सब्जेक्ट गोधरा के उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अटल जी पंतप्रधान थे, बोलना पड़ा मजबूरी में उनको, उन्होंने मजबूरन बोलना पड़ा ना उनको कि आप राजधर्म निभाइए, क्योंकि इस कुर्सी पे जब भी बैठते हैं तभी उस सोच से आपको वो राज्य करना वो सब करना मिलता है। रही बात आज एक क्राइम की बोल रहे हैं,
अब एनसीपी का रिकॉर्ड देखिए लास्ट 5 साल का, देखिए नेशनल क्राइम ब्यूरो का सबसे ज्यादा, आज भी कल आज सुबह का न्यूज है, कल का भी है, सबसे ज्यादा क्राइम जातीय वाचक क्राइम कहाँ हो गए? यूपी में, जहां जहां बीजेपी सत्ता है, सीएम है वहां वहां है आज क्राइम। मैं नहीं है, आप देखिए ना आज सुबह का उनका एनसीपी का रिकॉर्ड। मैं यही पूछता हूँ कौशिक साहब, क्या पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं ये सेक्युलरिज्म और ये जातिवाद अपने फायदे के लिए? 100% कर रहे हैं। मैं आपको एक गाइड बताता हूँ, 100% कर रहे बोल रहे थे आपने, किसके लिए मुद्दा बोल रहा हूँ ना मैं, हम तो बोल रहे हैं मुद्दा निकला। अरे सर आपको पसंद नहीं कि हम लोग शांति से रहे? आप मुझे बताइए, आपके शांति से रहने के लिए तो हम सत्य पे आए और शांति से रह रहे हो। सर शांति खत्म कर रहे हैं ना, बॉम्बे में कुछ तबलीग है कौशिक साहब? कौन ना, मेरे को तबलीग नहीं, आपको तबलीग मत चल रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है सेक्युलरिज्म की, ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, सिर्फ नगुमे का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर। कैसे वाले यहाँ पर, आप भी समझदार हम भी समझदार है इसलिए चल रहा है। नहीं उधर लोग समझदार नहीं है, राजनीति क्या करेगा स्पेशल? आप देखिए आज की कल सर एक ब्लास्ट, कल तक जब तक अपने देश में अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे नेता थे, बीजेपी में रियल सेक्युलरिज्म था, हम लोग बीजेपी को इज्जत करते थे, उनको इसलिए करते थे कि वो बहुत ही मतलब कि आपको क्या बोलते हैं सिस्टमेटिक चलने वाला पार्टी था। लेकिन सत्ता में आने के बाद इतना क्रिमिनोलॉजी, इतना बदमाशी, इतना मतलब का अत्याचार, हमने कभी सोचा ही नहीं था आने के बाद इतना लोग पट्टी मारेंगे। तब उसको एक वोट से हराया आपने, तब देखा नहीं अच्छा सर, धीरे धीरे आदमी बढ़ता है, छोटे धीरे धीरे आदमी बढ़ता है आगे। साहब ने मुद्दा निकला हाथरस का, किसका? हाथरस, यूपी। यूपी में आदरणीय योगी जी की सरकार है, हमारा लो पॉइंट से बात कर रहा हूं मैं कि भाई एडवोकेट के हमारे अंदर कोर्ट में पुलिस स्टेशन में कहीं पे भी सबसे सच्चाई किसी मानते मरता आदमी को झूठ नहीं बोलता है, मेरा डाइन निकले उस लड़की ने मरते टाइम जो बोला उस पर आपने आगे चलाना है। सीबीआई लगा दी ऐसे डिफेंस, क्यों? क्योंकि उनको बचाना है। जब मरने वाली बोलती गई है तुमको सीबीआई जरूरत क्या है? जब मरने वाली की डाइन डिक्लेरेशन है कि मुझे इसने रेप किया, इसने मुझे मारा, और इस योगी जी को या तो लोकल नॉलेज नहीं है या फिर किसी जाति विशेष आदमी को बचाने के लिए उसने अपनी जान छुड़ाने पहले एसआईटी बनाई। और फिर एसआईटी क्या करती है, लगी है रूम में, अगर 10-10 दिन तक एक ऑफिसर एक रेप मर्डर केस को नहीं सॉल्व कर सकता, देन इट मींस द गवर्नमेंट इज नॉट कैपेबल, उसको रिजाइन देना चाहिए। हाथरस का विषय क्लियर विषय, ट्रांसपेरेंट विषय, एक ही बात है, मरने वाले जो बोला वही कोर्ट मानने वाला है। आप एफआईआर दाखिल करके कोर्ट भेज दो, कभी आप सीबीआई लगाते हो, क्यों? उनको दबाना है, दम देना है, दम दे, तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा करो, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई ये नहीं करेगा, ये आपका हाथरस का इशू है। दूसरा राज्यपाल का विषय, आप भी गरज साहब यहाँ बैठे हैं, पर्सनली मेरे घर के संबंध है, गरज साहब कभी आपने प्रेमर पढ़ा है? प्रेमर में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोल रिसोल, क्या सब लिखा है, सो रिसोल टू कॉन्स्टिट्यूट ए सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टू, इसमें एक 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 शब्द करना, सेकुलर शब्द में लिखा हुआ है, ये गवर्नर बताएगा। एक तरफ तो भाजपा वाले बोलते हैं 70 साल के आदमी को दिमाग काम नहीं करता है, तो ऐसे आदमी हमारे राज्यपाल में क्यों भेजते आप, इसे दिमाग काम नहीं करता है, उसको प्रीमियर की परिभाषा मालूम नहीं है। जो मेरे शायद मेरे सीएम भी थे शायद वहां मेरे से उत्तराखंड के, वो भी सीएम रह चुके हैं, वो एक सीएम को बोलते हैं कि सेकुलर कब से बन गए, साहब सीएम ने ओथ लिया है, सेकुलरिज्म हमारे प्रीएम्बल के अंदर है, हमारे बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ है, क्लियर किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोशल कॉन्स्टिट्यूशन के सोवरियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बराबर एक एक शब्द दिया उसके अंदर। फिर एक गवर्नर पद पर बैठा आदमी एक लेटर लिखता है सीएम को, आपका काम नहीं है, आप अपना काम करो, ये एक शर्म की बात। अरे उन्होंने खुद प्रूफ कर दिया और तो मुंह से बोल ही रहे ना कि सेकुलर कब से होगा, मतलब आप नहीं है। फाइनली जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली के
भाई सेक्युलरिज्म जातिवाद असल चीज क्या है इसकी परिभाषा के फाइनल वर्ड्स, क्योंकि हमारे ख्याल से डिस्कशन हो गया है और रिपीटेटिव नहीं करेंगे, अफसर भाई फाइनल वर्ड क्या मैसेज है आपका कि आपके हिसाब से, क्योंकि ये असली बात हमारी डिस्कशन ये इसलिए हो रहा है कि ये हमारे देश पे असर पड़ता है, इस पर हमारे देश के इमेज पे असर पड़ता है, हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं बाहर के जो देश वाले लोग देखते हैं वो हमारे को देख रहे हैं कि भाई इंडिया में क्या हो रहा है क्या, क्योंकि आज सेक्युलरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इश्यूज हो रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट्स पे असर हो जाएगा, तो ये सब देख के फाइनली क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए मैं तो ये बताना चाहता हूँ हर उन नेताओं को कि देश में आज के दिन में सबसे ज्यादा यहाँ पे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है यहाँ पर है। आप राजनीति करने के लिए पूरा दुनिया बचा हुआ है, पूरा टाइम बचा हुआ है, आप कीजिए, हम नहीं बता रहे कि राजनीति मत कीजिए, लेकिन राजनीति के लिए इतना नीचे मत गिर जाइए कि मतलब कि एक आपको मतलब के सिर्फ आपको मार धार और मतलब कि एक दूसरे को बदनाम करना और एक दूसरे को मतलब के गलत निगाहों से देखना और आपको क्राइम खुलेआम करवा देना, स्कैंडल खुलेआम करवा देना, ये मत करिए, आप सत्ता में रहिए। आज बता रहा हूँ आज के दिन में कि इतने बड़े पैमाने में देखिए लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों का कंपनी बंद हो गया, फैक्ट्री बंद हो गया, किसान बेचारे सुसाइड कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास के लोग सबसे ज़्यादा परेशान हाल है, गरीब लोगों को रोज़गार नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए। ये सेकुलरिज्म जो है अपने देश का, ऐसे भी हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक सेकुलर देश है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, आप राजनीति कीजिए लेकिन प्रायोरिटीज है उनको पहले उनको फुलफिल कीजिए, बस यही मैं चाहता हूँ। सेकुलरिज्म जो है ना वो हिसाब से इंडिया का ये संस्कृति है उसी हिसाब से चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोग हमारा काम करते हैं विकास के मुद्दे, अच्छा काम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अच्छा काम होता है ना तो ये सब पार्टियों को तकलीफ हो जाता है, क्योंकि उनकी राजनीति उनको संभालनी है। ये सब दंगे जो अभी बढ़ने लगे हैं इनका कारण ये है, ये विरोधक जो है ना अभी भी सर एक काम बाकी है, समान नागरिक है, आपको चाहिए ना समान नागरिक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन वो करने के बाद देखो क्या होगा देश में, कितने लोग आएंगे, क्योंकि इनकी राजनीति की जो रोटी है ना वो सेकेगी नहीं। हम लोग जो काम कर रहे हैं 370 हटाया, 35 ये हटाया, अच्छा काम है कि नहीं बोलो, किसी ने बोलने का पब्लिक ने, कश्मीर के राजनीति लोग छोड़ के, लेकिन राजनीति वाले लोग भाई उसके अंदर पब्लिक को पूछो, पब्लिक को पूछिए अच्छा काम है, ये सब सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहा है करके ये तब्लीग है, बाकी कुछ तब्लीग नहीं है, विकास के मुद्दे पर हम लोग चल रहे हैं, हम इस सेकुलर ये उसके मुद्दे पर हमको चलना नहीं, हम जो चल रहे हैं विकास कैसा होएगा, छोटा छोटा आदमी कैसा जिएगा कोरोना के समय उसका सोच रहे, हम बड़े आदमी का सोचते हैं। आज हमको 3 महीने लॉकडाउन में रखा गया है पब्लिक को, उद्धव साहब जी आए उन्होंने भी लॉकडाउन का आगे पुशअप कर दिया, 3 महीने हमारे ऑफिस बंद है, हमारे कामकाज बंद है, नौकरियां बंद है, सब कुछ, हम घर में बैठे हैं, तो हमको घर में किसने बिठाया, महाराष्ट्र शासन, हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र शासन ने बिठाया। आज लाइट का बिल 3 महीने का जो आया है वो कौन भरेगा, जिसने आपको घर पे बिठाया, मैंने आपको इधर बिठाया और आपके घर पे घर चलने के लिए अगर मैं पैसा ना दूँ तो आपके ऊपर मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा हूँ। अभी आपने 3 महीना बिठाया, आपके वजह से हम लोग बैठे, सब कामकाज बंद करके बैठे, तो अभी महाराष्ट्र शासन के अंडर में MSP चल रही है, तो उन्होंने वो 3 महीने के बिल महाराष्ट्र शासन ने भरने चाहिए कि नहीं भरने चाहिए, हमारा खाना भी देना चाहिए उन्होंने, हमारा रहना सहना भी देना चाहिए, कि हमको बांध के किसने रखा, गवर्नमेंट रखा है ना, तो गवर्नमेंट से करना चाहिए ना। तो अभी तक लाइट के बिल का 25% दे रहे पैसा नहीं बोल रहा है, राजनीति लाने का काम कर रहा है, मराठा आरक्षण हम कर नहीं पाएंगे करके 12,000 पुलिस का नया भर्ती का एक फंडा फेंक दिया, क्योंकि आज पुलिस को देने को पगार नहीं, अब 12,000 भर्ती कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन फिर मराठा उठेंगे, हम लोग भर्ती पीछे लेंगे और मराठा को लगेगा कि साला हमारे लिए काम कर रहा है। कौशिक साहब फाइनल वर्ड के ये सब मुद्दे प्रायोरिटीज प्रायोरिटीज छोड़ गई प्राइमरी, हमें टाइम बहुत कम है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ। साहब बहुत होशियार आदमी है, तो मैं देखा बाबा अभी पहले बोला अज्ञानी है, नहीं बोल रहा होशियार है, वो कैसा है अज्ञानी बोले तो चतुर होशियार है, देखो उनको तीन का फेस भी करना पड़ता है कि भाई यूपी में, राजस्थान सॉरी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में कितने लाइट बिल भर दिए अपनी सरकार है, तो बताओ जरा कितना क्या लाइट बिल कितने पब्लिक के भर दिया आपने। देखो मैं मार्च से अगर मैं बोलूं मैं अभी स्टडी करूंगा, मैं बीजेपी करूंगा, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की, यहां डिबेट बीजेपी पे है, देखो मैं स्टडी करूंगा उसका, स्टडी करूंगा महाराष्ट्र से आज तुम खाली करके सब कुछ तो कर्ज बता देंगे, कुछ छोड़े नहीं, बता कर्जा कम हुआ है,
मैं आपको बोलूं, महाराष्ट्र शासन का जो टर्नओवर है वो बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। आज भारत में सबसे ज्यादा टर्नओवर उसका बढ़ा है, तो टर्नओवर के हिसाब से 26% अपने को लोन मिल सकता है। तब पहले वाले सरकार ने 16% लोन दिया था, 16%, और अब जब हम छोड़ के गए तो ये रेंज बढ़ गया, तो हम 15.5% कर्जे पे हम लोग आ गए। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज ऐसी है कि जैसे जैसे हमारा टर्नओवर बढ़ेगा वैसा वैसा हमारा लोन मिलेगा, कैपेसिटी बढ़ेगा। पूरा देश बेच दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस ने पूरा देश को बेच दिया इन लोगों की बात से। पूरा देश को बेच दिया, क्या बचा बचा के। कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके इस टॉपिक के ऊपर कि क्या प्रायोरिटीज हट जा रही हैं और ये धर्म और जाति यही सब बातें चल रही हैं। साहब ऐसा है, जाति धर्म के आधार पर बीजेपी बनी है, जाति धर्म के आधार पर बीजेपी देश को ट्विस्ट कर रही है, क्योंकि काम तो गिनती करा नहीं सकते, और जाति धर्म के आधार पर आज तक इन्होंने सत्ता भोगी सत्ता दी है। इनका एग्जाम्पल है, इनका सोशल मीडिया देख लो आप, झूठे सारे सारे जितने भी आप देखोगे कुछ और कुछ दिखा देंगे। इनके टीवी डिबेट देख लो आप, एक वो इनके सभी पत्र आते हैं उसको तो भगवान जाने क्या बोलता होता है, उसको खुद क्यों नहीं मालूम भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीयता क्या है। इनके मुख्यमंत्री कल मौन व्रत पे बैठे हैं, किनके? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी के। जब सुमित पात्रा ने भारत में क्या बोला मालूम आपको? मैंने प्रियंका गांधी देखी, 3 दिन तक मुझे राधे माँ है, 3 बार मालूम पड़ा ये तो प्रियंका गांधी है। सब बाबरो कौन है प्रियंका गांधी, कौन है, किस खानदान से वो? ठीक है, इस देश का खानदान है, देश खानदान में चलेगा, देश खानदान के ऊपर चलेगा, देश सिविलियन भी चलेगा, देश झूठ भी चलेगा, देश झूठ भी नहीं चलेगा। देश देखो, उसे करके 2 शहीद हुए, 9 साल नेहरू जेल के अंदर थे। आपको तो आदत पड़ी है कि इनको साफ करो, ये झूठे सब इरेज कर करके। महात्मा गांधी को नहीं मानते तो आगे क्या बात कर रहे हैं? भोई साहब, आपका फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क, आपके सीएम भी हैं आपकी पार्टी के, और ये सब जो इश्यूज है यहाँ पे भी काफी चल रहे हैं, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं पहली बात ये कर रहा हूँ, गरज साहब बोल रहे हैं क्या महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में लॉकडाउन किया 3 महीना। देखिए उनको ये मालूम है, उनके प्रधानमंत्री जी अपने सबके हैं, वो उन्होंने देश भर में लॉकडाउन किया, खाली महाराष्ट्र में नहीं किया, सुनिए सुनिए, देश भर में लॉकडाउन किया। और देश भर के आज की अर्थव्यवस्था क्या है, जो अभिजीत बैनर्जी है जिसको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया, उन्होंने उनका रिमार्क्स है, मेरा नहीं, उनका रिमार्क्स है कि देश की अर्थव्यवस्था व्यवस्था ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे सबसे खराब है। इंडिया की बांग्लादेश में पीछे छोड़ दिया, देखिए ऐसी स्थिति में ये सेक्युलरिज्म ये वो सब निकालना इनका, क्योंकि पब्लिक का माइंड सब घुमाना है, इनको पब्लिक का माइंड घुमाना है। इसके लिए मंदिर में कितने जन अभी तुरंत मंदिर में जाने वाले, मंदिर क्यों नहीं, सुनिए मंदिर क्यों नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना का फैलाव ज्यादा है, क्योंकि मुंबई ठाणे नवी मुंबई जो भी ये कॉस्मोपॉलिटन सिटीज यहाँ ज्यादा हो गई है, उस हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रेविट है वो बहुत ज्यादा है यहाँ, उस हिसाब से ये मंदिर जाने वाले यात्रा के हिसाब से पब्लिक लाखों में हजारों में जाते हैं, तो कोरोना फैलाव की ज्यादा यहाँ ये चांसेस हो सकते हैं। उस हिसाब से ऐसा ऐसा वो सब ले रहे हैं ना, स्कूल भी है ना, स्कूल टाइम ले लिया। तो आपने जैसे कहा कि कोरोना कंट्रोल करने के लिए हो रहे हैं, फाइनली आप सभी ने अपने पक्ष रखा है ऑब्वियसली, और बहुत साफ किया है। मेरा मकसद से भी एक टॉक शो रखने का यही था कि जो आजकल जिस तरह से हर इशू में लेकर सांप्रदायिकता की बात हो जाती है, जातिवाद की बात हो जाती है, हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम अभी भी आप सभी के निकालें तो कोई भी देश तोड़ना नहीं चाहता है,
सब चाहते हैं कि देश में सब मिलजुल कर रहें, और नवी मुंबई खासतौर से जो हमने देखा है कि शुरुआत से एक फैमिली रही है, जैसा अभी भी कौशिक साहब और आप लोग सब आपस में भिड़ रहे थे, कि साथ में ये भी कह रहे थे कि हमारे घर के रिश्ते हैं। ये ब्यूटी है इंडिया की, और नवी मुंबई एक मिनी इंडिया माना जाता है, और हम इसी भरोसे पर ये हैं कि जो हम बात करते हैं सेकुलरिज्म, जातिवाद, पॉलिटिक्स, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटिक्स में ये थोड़ा सा कम हो जाए, मेरे ख्याल से सभी के लिए अच्छा है। आई अंडरस्टैंड कि वोट बैंक पॉलिटिक्स की भी एक बात होती है, सबके अपने एजेंडा होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अगर थोड़ी कंट्रोल हो जाए, और जो असल मुद्दे हैं, जैसे अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा है, आपने बताया कि फाइनेंस, लोगों के रोज़गार का मुद्दा है, ये सब जो इश्यूज़ हैं ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धर्म हम सबकी पर्सनल चीज़ है, हमारे सबके लिए एक निजी चीज़ है, इसे हम पब्लिक में ज़्यादा न लाएं तो बहुत बेहतर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े। आवाज़ पे चर्चा में इस हफ्ते सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.